मैं जा रहा था भाई साहब, एक लड़की अपनी स्कूटी पे जा रही एक्टिवा पे, पापा की परी। उसका बताने से पहले एक अपडेट दे दूं, जो हमारा ऑफिस 9 से 5 का था वो दोबारा से रेगुलर रूटीन में आ गया है 9:30 से 6 का। लोग तो मनाली को फालतू में ही बदनाम कर रहे हैं, कभी दिल्ली मेट्रो भी घूम के देखो, तुम्हें भीड़ का एहसास होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है हमारी 12 जुलाई मंडे, और भाई साहब रात को है ना, मैं एडिट करते करते बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, 4 बज गए थे। आज बहुत सारी चीजों की तुम लोगों को अपडेट देनी है, और मेरी हो गई है कैब बुक, तो कैब लेने के बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। सुबह सुबह ना खाना खाते करते होठ कट गया यार, पता नहीं कैसे दर्द कर रही है, ऐसा लग रहा है बार बार जैसे खून निकल रहा है, आयरन आयरन सा फील होता है ना, ये बिल्कुल यहाँ से। कहाँ जाना है? अंदर चाची से मिलने है? ला पहले पजेब दे दे मेरे को, दे देना एक बार, एक दे दे, बस 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 बस, बस। ला, ये ले। आवाज दे चाची, आवाज दे चाची को, आवाज दे। आ गई हमारी कैब, मतलब ये नहीं है अभी आ रही है, ये जो आ रही है 2831 से आ रही है। OTP क्या है? 0488। घुमानी पड़ेगी भैया, 0488। तो अभी लिए कैब, अब जा रहे हैं ऑफिस के लिए, और होपफुली देखता हूँ अगर रास्ता दिखाना हुआ तो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज वो जो क्लास का मैंने आपको कल वाली वीडियो बताया था, उसका बताने से पहले एक अपडेट दे दूं, जो हमारा ऑफिस 9 से 5 का था वो दोबारा से रेगुलर रूटीन में आ गया है 9:30 से 6 का। तो एक बेनिफिट है और एक बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है कि सुबह हम और अच्छे से, मतलब प्रॉपर तरीके से रेडी होने का टाइम मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा हबड़ा तबड़ी नहीं होगी। सुबह 9 बजे थोड़ी सी हबड़ा तबड़ी रहती है, बिकॉज रूटीन नहीं है। अगर रूटीन हो ऐसा ही तो फिर उसी अकॉर्डिंग चला जाए। एंड जो नेगेटिव चीज है वो है ये कि जहाँ पे 5 बजे छुट्टी होती थी, मैक्सिमम 6:30 पौने 7 बजे तक वगैरह आ जाता था, अब वही 7:45 या 8 बज जाए। अभी होने वाला है ऑलमोस्ट लंच, और अब जाके मेरे को टाइम मिला रिकॉर्ड करने का कुछ। आज रचित भाई नहीं आए, बिकॉज उन्होंने लगवाई थी कल वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के बाद जो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं, हाथ में पेन फीवर, बॉडी एक, तो उनको वैसा सही फील हो रहा है, तो इस वजह से वो नहीं आए। और आज मैं यहाँ पे पूरे कैबिन में अकेला बैठा हूँ, और बस लगे बड़े काम में, पूरे थोड़े से बोर। और क्या बताना था मेरे को, मैं भूल गया यार, मेरे को तुम्हें 3-4 चीज़ें बतानी थी ऑफिस टाइमिंग की, मैंने तुम्हें बता दी। हाँ, आज पता क्या हुआ, आज है 12 जुलाई और जो मेरी क्लासेस हैं वो हैं 13, 14, 15 को, जो यूट्यूब की तरफ से जो मेरे को कन्फर्मेशन आई थी कल वाली वीडियो में, मैंने तुम्हें बताई थी, तो वो है 13, 14, 15 को। और मेरे को लगा मेरे माइंड में कि आज 13 तारीख है, पता नहीं क्या हुआ, बट माइंड में जो था कि आज 13 तारीख है, 13 तारीख आज क्लास है। तो मैं ईयरफोन्स वगैरह लेके सारा का सारा प्रॉपर तरीके से बैठ गया कि हाँ ठीक है, मीटिंग वगैरह होगी, कर लेंगे क्लास, बट
याद आया कि यार आज तेरा नहीं, और ऑल ऑफ द सडन मेरा ध्यान गया इस डेट पे, नहीं आज नहीं है, आज नहीं है, कल है। तो ये बता दिया, तो कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। अभी लंच टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, घर पे भी कर गए थे, यहाँ पे भी कर लिया है। मुझे है ना अभी याद आया कि मैं चश्मा लाना ही भूल गया हूँ, जब मैं बैग पैक कर रहा हूँ कि मेरे चश्मा कहाँ है। अभी मैं पहुंच गया राजौरी गार्डन और मेरे साथ ना एक सीन हो गया। जब मैं अभी ऑफिस से आ रहा था रास्ते में पैदल पैदल, जब मैं तो मेट्रो तक आना होता है, एक सेकंड रुको मैं एक साइड हो जाऊं, मैं जा रहा था भाई साहब, एक लड़की अपनी स्कूटी पे जा रही एक्टिवा पे, पापा की परी, उसने ना ये चीज़ देखी भी नहीं कि कौन कहाँ से निकल रहा, कौन कहाँ से नहीं निकल रहा। मैं ना आपको कल रोड दिखाऊंगा कि हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, सारे के सारे घर पड़ते हैं, राइट साइड में कट जा रहे हैं, वो बंदी लेफ्ट साइड में घर से स्कूटी निकाल के लेके आ रही है पापा की परी, और भाई उसने मेरे इस पैर पे यहाँ से घिसड़ते हुए लेके गई, मेरा फोन गिरा नीचे जमीन पे, ईयरफोन ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे करके उसकी स्कूटी में अटक गए। हम पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, मैं था और एक ऑफिस की मैम थी, इसी वजह से मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया गया यार, ऑफिस वाली मैडम है पता नहीं। उस टाइम पे हमारा माइंड भी ये काम कर रहा था कि यार कौन है ये, तो हमने उसके घर पे जाके भी बैल बजाई, बट वो तीन चार फ्लोर थे तो फ्लोर वाइज सिस्टम में पता नहीं लगता कि कौन है कौन नहीं है, तो वी डोंट नो के। तो फिर हम करीब 20 मिनट वहाँ पे वेट करने के बाद फिर हम वहाँ से घर वापस चले गए। तो अभी मैं घर जाके देखूँगा मेरा पैर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वैसे लाइक घिसड़ा है, तो वैसे छलकी फुल्की लगी होगी, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, लेकिन मेरी ईयरफोन जा चुकी है उस लड़की के साथ। तो मेरे को अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं ये वीडियो एडिट कैसे करूँगा जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं चलने लग गया हूँ रास्ते की तरफ, आगे घर की तरफ, और आज 6 बजे छुट्टी हुई है तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा लग रही है। 5 बजे जनरली लोगों की कम छुट्टी होती है, तो 6 बजे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो अब लोग भी घर जा रहे हैं, तो इसी चक्कर में भीड़ भी ज़्यादा है और मेरे को भी थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि यार पता नहीं कितना लेट हो गया, शाम सी हो गई है पूरी। पहले के टाइम पे लाइक अभी 2 दिन पहले तक मस्त धूप होती थी इस चीज़ को लेकर कि जब छुट्टी होती थी तो मस्त धूप होती थी, लेकिन आज पूरी की पूरी शाम हो चुकी है और भीड़ दिखाता हूँ। मतलब अब डेली इतनी ज़्यादा भीड़ होगी और लोग तो मनाली को फालतू में ही बदनाम कर रहे हैं, कभी दिल्ली मेट्रो भी घूम के देखो तुम्हें भीड़ का एहसास होगा। अभी है ना मैंने मास्क उल्टा करके लगा लिया, इससे थोड़ा सा इजी रहता है सांस लेने में भी, कि नीचे की साइड है ना थोड़ा सा यहाँ से हमें स्पेस मिल जाता है, पूरी की पूरी हवा निकल जाती है और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगने लगता है। तो जिस टाइम पे मेरा वो फोन गिरा ना, जिस टाइम से उस पापा की परी से मैं टकराया, उस टाइम पे मेरा फोन भी ऐसे करके गिरा टप करके, मतलब एक दूसरे पटक करके, जैसे समझ जाओ तुम कि टप करके कैसे गिरता है। मेरे को लगा कि भाई मेरा फोन गया आज, तो आज मेरा फोन गया और ईयरफोन भी गए। भाई वो दीदी रुकी नहीं यार, ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, कह रहा एटलीस्ट तुम पीछे वाले बंदे को पूछ तो लो कि भैया ठीक हो नहीं हो, ऐसे तो कल को तुम किसी को भी मार के निकल लोगे, वो बंदा सीरियस हो या ना हो, उसके ज़्यादा चोट लगी हो या ना लगी हो, तुम लोग तो देखोगे नहीं। और एक चीज़ कि चलो मेरे को तो अभी ज़्यादा लगी नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, मेरे को ना के बराबर ही लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ टच होके गई है, बट इनकेस किसी बंदे को ज़्यादा लग जाए तो यार वो बंदी तो मुड़ के देखेगी भी नहीं कि बंदा जिंदा है मर रहा है,
तो यार देखो, अगर तुमसे भी होता है ना एक्सीडेंट, यार नेचुरल सी चीज़ है और गलती है ना हर किसी से होती है, अगर तुम लोगों से भी होती है ना, तो एज यू आर माई ऑडियंस, तो मैं ना तुम लोगों से ये चीज़ लिटरली मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि कभी भी एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो ऐसे भागो मत, हिट एंड रन का केस मत लगने दो, और इवन कोई भी केस ना लगे तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर ऐसा कभी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पीछे मुड़ के ना पीछे वाला बंदा किस हालत में है कैसा नहीं है वो देख लो। मेरे को हल्का हल्का पैर में दर्द हो रहा है यहाँ पे, बट रेस्ट ओके है, मैं इतनी देर से चल ही रहा हूँ पैदल पैदल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि आज उन पापा की परी ने जो किया है वो तुमको नहीं करना है। बिल्कुल रात होने को आ गई, देख रहे हो, गर्मी भी, आज गर्मी कम है वैसे इन जनरल, लेकिन गर्मी तो है। आज तो घर पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो गई है, चांद तक नजर आ रहा है, लोग आ रहा है, ये रहा चांद और ये रहा एक सितारा, पूरी प्रॉपर। तुम लोगों को तो मैं नजर भी नहीं आ रहा हूँ, पीछे लाइट है वो भी आड़ी तिरछी जा रही है, ये देखो एक सेकंड। हाँ अब सही है ना, ओहो लाइट दिखेगी तुम्हें, सामने से बाइकें वगैरह आ रही हैं, तो चौंक जा रहे हैं हम। तो एग्जैक्टली 8 बज गए हैं भाई साहब, एग्जैक्टली 8 बज गए हैं, पैदल चल चलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, अभी कपड़े चेंज करते हैं। 6 से 8 बजे छुट्टी हुई, शाम के टाइम में ना हमेशा ज्यादा टाइम लगता है घर पहुंचने में, मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी होती है हर किसी को, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो सामने वाला हो, जब हर बंदा स्पीड में काम करता है ना तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये चीज पापा बहुत बार बोलते हैं कि शाम को जब तुम आते हो तो तुम्हें 2 घंटे लग जाते हैं, और सुबह तुम निकलते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो, तो बुद्धि में गलत चीज जाती है पापा की, फिर हम समझाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सही हैं, सब सही है। अभी मैं आ गया ऊपर और एक बार देख लेते हैं कि पैर ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लगी, क्योंकि हल्का हल्का पेन मेरे को हो रहा है, और जब कभी भी ऐसे चोट लगती है तो शुरुआत में दर्द कम होता है, बाद में वो बढ़ता जाता है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पेन है ना वो यहाँ पे है, और यहाँ पे है थोड़ी सी स्वेलिंग सी, ये देखो यहाँ पे गड्ढा है ये, और यहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा आपको। चलो कोई नहीं, ये आई डोंट थिंक कि ज़्यादा चलेगा, ये रात रात में ठीक हो जाएगा। उछाली तो है नहीं, यहाँ पे आके उछाल, यहाँ पे पास में ये पता नहीं YouTube में क्या गलीच हो गया, यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर दिखा रहा है 149, जबकि मेरे सब्सक्राइबर थे 160, और ये ऑटोमेटिकली घटते जा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 157, पता नहीं यार YouTube कोई गलीच वगैरह है यार ये, तो यार प्लीज तुम लोग इसको देखो, ऐसे तो चलेगा नहीं। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट प्यार देने के लिए। बस इसका वॉच टाइम एवरेज ड्यूरेशन 5 मिनट 2 सेकेंड है, इसको बढ़ा के है ना 15 मिनट का कर दो। तो गाइस मैं कर चुका हूँ पूरी की पूरी ये वीडियो एडिट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर YouTube टीम में से कोई ये वीडियो देख रहा है ना तो प्लीज़ यार ये ग्लिच देख लो कि क्या हो रहा है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोज डेली डालने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे एडिट करने में डेली का नया कंटेंट। प्लीज़ यार अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये ग्लिच क्यों हो रहा है, वैसे ही इतनी स्लो ग्रोथ हो रही है तो बस तुम्हारे ऊपर ही, अगर ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा हमारा 365x365 कैसे चलेगा। चलो टाटा बाय बाय गुड नाइट।